अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहु। मैं खैरियत से हूँ, आप लोग भी माशाल्लाह से अच्छे से होंगे। ये देखिए, मैं चना बनाने जा रही हूँ, फ्राई चना ढाबा स्टाइल। मैंने यहाँ इसी कप से दो कप चना ली हूँ। ये आधी कटोरी लहसुन है, सेजवान चटनी है 2 चम्मच, ये चिली सॉस है, चावल का आटा 2 चम्मच, 2 चम्मच मैदा, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 चम्मच विनेगर, 1 चम्मच लाल मिर्च, ये मैंने थोड़ा से फूड कलर ली हूँ, और ये आधी चम्मच जीरा है, आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा ही समझ लीजिए जीरा है, आधा चम्मच में जीरा पाउडर डाल रही हूँ। मैं अंडा नहीं डाल रही हूँ, इसलिए मेरी बेटी को अंडा नहीं पसंद है। आप चाहें तो डाल सकते हैं इसके जगह। पहले अंडा को अच्छे तरह से, एक अंडा को अच्छी तरह से फेंट लीजिए, फिर उसमें सारा मसाला डाल दीजिए। जैसे मैंने ये मैदा, कॉर्नफ्लोर, चावल का आटा, ये मैंने चावल का आटा घर पे बनाई मिक्सी में पीस के, ये विनेगर है 1 चम्मच, ये चटनी है, सोया सॉस, अरे चिली सॉस सॉरी, सोया सॉस 1 चम्मच, सोया सॉस भी डाल रही हूँ उसमें, देखिए ये सोया सॉस है 1 चम्मच। बाद में वाटी सारी पोंछ लूंगी, इसमें मसाला लगा हुआ है सारे ना, ये देखिए सेजवान चटनी, 1 चम्मच मिर्चा, रेड चिली घर में हमने पीस के बनाया, ये देखिए ये जीरा पाउडर इसमें डाल दे रही, मैं भी बता रही हूँ तुमको, और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। हमने नमक उबाल, चना उबाली थी उसमें डाली थी, तो इसलिए मैं अपने हिसाब से थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। ये देखिए आप भी अपने हिसाब से डालिए। बाकी मैं इसको 1 चम्मच फूड कलर, मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया है इसमें। अब इसको अच्छे से हाथ से मिलाऊंगी, अच्छे से मिला लिया हमने। अब इसमें चना डाल के मिलाऊंगी, ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिला दिया है। अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो आप जो है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मिला सकती हैं, वो कलर के लिए रहता है, वो तीखा नहीं होता है। अब मैं इसको आधा घंटा 15 मिनट के लिए फ्रीज में रख दूंगी, फिर फ्राई करती हूँ। ये देखिए ये मैंने लहसुन लिया है, इसको भी फ्राई करूंगी, तो इसको मैंने बीच से ये देखिए ये बीच से मैंने इसको, अभी तो फट गया मैंने खोल के दिखाई, तो इसको नहीं फ्राई करूंगी। ये देखिए ये धो ना, कट लगा है ना बीच में, मैंने इसको बीच में काट दिए थोड़ा से, तो इसको फ्राई करूंगी तो अंदर से अच्छे से हो जाता है। इसको आप हमेशा बीच से या ऐसे ही कट करना, ये देखिए ये बीच से कट मार देना, तो बहुत अच्छा फ्राई होता है। और डायरेक्ट कभी लहसुन नहीं डालना उसमें, हमेशा छन्नी में रख के डाल देना, 2-4 मिनट ऐसे से हिलाना, इंशाल्लाह हो जाता है। ये मैं राई का तेल इस्तेमाल करती हूँ तेज। अब मैं तेल रख दी हूँ गरम होने पे, जब तक मेरा तेल गरम होगा फिर मैं फ्रीज से निकालूंगी वो चना। अभी राई का तेल खाइए, रिफाइंड मत खाइए, बहुत नुकसानदेह है रिफाइंड, वो बीमारी का घर है रिफाइंड। किससे बनता है किसी को नहीं पता, वो किस चीज़ से वो तेल बनता है, मत खाइए, उससे कोलेस्ट्रॉल फैट बहुत होता है। आप राई का तेल ही इस्तेमाल करिए। आपको स्मेल आती है तो आप 2 लीटर 5 लीटर ला के एक पतीला में चढ़ा दीजिए, उसमें थोड़ा 2-4 मिर्ची डाल दीजिए, लहसुन डाल दीजिए, प्याज डाल दीजिए, अच्छे से पका के उसको छान के रख दो, स्मेल बिल्कुल नहीं आएगा, बहुत अच्छा बनेगा आपका तेल। आधा घंटा हो गया है, मैंने फिर इसे निकाल लिया। अब मैं ये देखिए
ना सिलो है ना हाई है, मीडियम आंच पे हम एक एक पीस डालूंगी इसमें। हाथ में ले लो थोड़ा से, एक एक पीस डालते जाइए ऐसे। मेरा बेटा ना चला गया नीचे खेलने, तो बोला है कि मुझे पुकार लेना, पर मैं उसको नहीं बुलाई, मैं अपने हाथ से ही बना रही हूँ। एक हाथ में पकड़ी मोबाइल, आप अंडा डाल लेंगी तो और फूला फूला रहेगा, पर मैं अंडा नहीं डालूंगी, मेरी बेटी नहीं खाती, मेरी बड़ी बेटी है और मुझे भी नहीं पसंद है अंडा। बहुत जल्दी हो जाता है, 4 मिनट लगता है। देखिए माशाल्लाह से हो गया है, कलर देखिए इसका, ये मेरी बेटी उड़ गई है। ये लहसुन है, ये अब इसमें जो थोड़ा सा मसाला लगा है इसको लगा देंगे इसी में। ये देखिए मैंने बना लिया माशाल्लाह, कितना प्यारा कलर है। देखिए ये मेरा किचन है, बहुत छोटा है, एक रैंक है। ये देखिए मैं इसको निकाल रही हूँ, बिल्कुल अलग अलग एक एक दाना है। मेरी छलनी बीच से टूटी है तो निकल जाता है। ये मेरा हो गया है 2 से 3 मिनट तक। बीस से हमेशा कट कर लीजिएगा लहसुन, तो आप ऐसे भी डाल सकती हैं पूरा एक साथ में ऐसे, फिर वो नहीं दगेगा, नहीं तो बहुत दगता है। 2 से 2 मिनट हो गया है, मैं कुछ और करूंगी। आप भी इसी तरह से बनाइए और खाइए, एंजॉय करिए। एक मिनट हो गया है मेरा, मैंने निकाल लिया है।
है इसको आप, ये देखिए मेरी छलनी टूटी है ना वो सारा निकल जाता है। मैंने बना लिया। अब मैं इस पे थोड़ा सा चाट मसाला डालूंगी। ये देखिए चाट मसाला बहुत अच्छा लगता है इसके साथ। ज़्यादा मत डालिएगा इसलिए हमने नमक भी डाले हुए हैं ना, तो फिर नमक ज़्यादा हो जाएगा। ये देखिए अब मैं एक खा के बताती हूँ कितना कुरकुरा है। माशाल्लाह से वाह बहुत यम्मी है। आप भी ऐसे ही बनाइए और खाइए और कमेंट में बताइए कैसे बना है। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। सी यू। दुआ में याद रखिएगा।